श्री शिवाय नमस्ताभ्याम, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर पूर्णिमा तिथि का बहुत ही अचूक उपाय आपको बताने आ रहे हैं। दोस्तों इस उपाय को करने से घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है, साथ ही घर में हमेशा सुख शांति और महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों बस बहुत ही आसान सा उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया है। दोस्तों इस उपाय को करने से घर में कभी भी दुख, दरिद्रता और धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय किस तरीके से और किस दिन करना चाहिए। दोस्तों देखिए, बस इस उपाय में आपको बेलपत्री को घर में एक जगह पर छुपा के रखना है, धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने घर का एक लोटा जो है शुद्ध जल आपको भरना है, ठीक है। साथ में आपको एक सफ़ेद फूल लेना है और जो आपने एक लोटा जल लिया है उसमें आपको सफ़ेद फूल डाल देना है। फिर आपको उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है और एक चावल का दाना आपको लेना है, बस, ठीक है। अब देखिए आपको इन सारी चीज़ों को अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में लेकर चले जाना है। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। अब देखिए, आप जैसे ही सारी सामग्री अपने घर के पास किसी भी मंदिर में ले जाएंगे, ठीक है, वहाँ जाकर आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको एक लोटा जल सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको भगवान गणेश वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। फिर आपको कार्तिकेय वाले स्थान पर चढ़ाना है। फिर आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर थोड़ा सा जल छोड़ देना है। अब आपको बाकी का जल जो है शिवलिंग पर ऊपर जो बीचों बीच में जलाधारी टपकती है उस जगह पर आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर जल को अर्पित करना है, ठीक है। जल को अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएं। अब देखिए, आपको एक चावल का दाना, ठीक है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, वो चावल का दाना आपको शिवलिंग पर अपनी कामना को कहते हुए चढ़ा देना है। साथ में दोस्तों आपको एक देसी का दीपक और लेके जाना है, जो हम भूल गए आपको बताना, ठीक है, इसका भी ध्यान रखें। एक दीपक आपको लेना है जिसमें आपको लंबी वाली बाती का इस्तेमाल करना है। ये दीपक आपको नंदी भगवान के पास जलाना है, शिवलिंग के पास ना जलाकर जहाँ पर नंदी भगवान की मूर्ति होती है मंदिर के बाहर, उस जगह आपको नंदी के सामने दीपक को प्रज्वलित कर देना है और नंदी के कान में आपको ओम नमः शिवाय बोलना है, ठीक है। तीन बार बोलेंगे आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से। अब कुछ देर के लिए आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना है, ठीक है। उसके बाद आप जब अपने घर पर आएंगे तब आपको शिवलिंग से एक बेलपत्री उठानी है। शिवलिंग पर जो भी बेलपत्री पहले से चढ़ी हो वो बेलपत्री आपको एक उसमें से उठाकर अपने घर ले आना है। घर लाकर दोस्तों उस बेलपत्री को आप यूँ की यूँ ही अपने घर के तिजोरी या गले में स्थापित कर दें, ठीक है। आपको बेलपत्री को घर लाकर धोना नहीं है, आपको जैसे ला रहे हैं वैसे की वैसे ही आपको तुरंत अपने घर के तिजोरी या गले में उसे रख देना है। दोस्तों इस उपाय को करने से घर में कभी भी धन संपदा की कोई भी कमी नहीं आती है। पूज्य गुरुजी बताते हैं इस उपाय को करने से व्यक्ति के घर में धन का अभाव खत्म होने लगता है और माता लक्ष्मी कृपा बनी रहती है, साथ ही घर में हमेशा सुख शांति का वास होता है। तो अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये उपाय अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।